साईं जन्मोत्सव को लेकर भागलपुर के घंटाघर स्थित साईं मंदिर से भव्य पालकी शोभायात्रा निकाला गया। शोभायात्रा में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु ने भाग लिया। सभी श्रद्धालु भजनों की धुन पर थिरकते नजर आ रहे थे। शोभायात्रा का भव्यता रथ और घोड़ा बढ़ा रहे थे। साईं मंदिर के सचिव ने बताया कि यह हमारा 14वां पालकी शोभायात्रा है। ये शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर तिलकामांझी होते हुए मानिक सरकार चौक के रास्ते पुनः साईं मंदिर पहुंचेगी। वहीं सचिव ने बताया कि कल श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा और रात्रि में भक्ति जागरण में स्थानीय सहबाहर से आए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। हाथी हर साल की तरह से इस साल तो बहुत ज्यादा ही लोग आए हुए हैं। हाथी है, हाथी नहीं है, घोड़ा है, पालकी है और बहुत लोग सरदार मतलब लेडीज है, जेंट्स है, सारे लोग हैं, डीजे भी है साथ में। हम लोग अभी यहाँ से तिलकामांझी जाएंगे। तिलकामांझी से फिर जो घुरन पीर बाबा होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर नया बाजार होते हुए गौशाला होते स्टेशन रोड होते हुए फिर मंदिर प्रांगण में आएंगे। हर साल 14वां साल ये 14वां साल मेरा है। अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाला गया। ये शोभायात्रा हुसैनाबाद दुर्गा मंदिर से निकलकर कोतवाली चौक होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। ये शोभायात्रा में झांकियां के साथ युवक युवती कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आ रहे थे। इस शोभायात्रा का नेतृत्व इंजीनियर सुभाष यादव कर रहे थे। इस शोभायात्रा में बंटी यादव, अजय कुमार यादव, रंजन यादव, पूर्व महापौर विनय यादव, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई लोग शामिल थे। नगर भ्रमण कर रही है आप तमाम नगर वासियों का, कृष्ण प्रेमियों का, सनातनियों का यादव महासभा भागलपुर हाथी हाथी अभिनंदन। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुसैनाबाद राधा कृष्ण ठाकुर बारी वार्ड नंबर 41 में 26 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2024 तक होगा। इस आयोजन को लेकर आज कलश शोभायात्रा निकाला गया। ये कलश शोभायात्रा अलीगंज ठाकुर बारी से होते हुए गंगा घाट तक पहुँच पुनः गंगा घाट से जल लेकर ठाकुर बारी प्रांगण में समाप्त हुआ। इस शोभायात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु अपने माथे पर गंगाजल लेकर शोभायात्रा की भव्यता बढ़ा रहे थे। भागलपुर में गंगा का पानी बढ़ने से इन दिनों दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर सांप देखने को मिल रहा है। शहर के बरारी गंगा घाट किनारे बड़ा रसेल वाइपर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहां गंगा स्नान कर रहे थे, इस दौरान रसेल वाइपर बहता हुआ गंगा किनारे सीढ़ी पर आ गया। लोग इस दौरान विशाल सांप देखकर सहम गए। रसेल वाइपर डसने के 2 मिनट के अंदर चली जाती है जान। यह अत्यंत ही विषैला सांप होता है। रसेल वाइपर मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। भागलपुर के कई इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा रसेल वाइपर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित टीला कोठी में रह रहे अनेकों बार विस्थापित परिवार के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत व भारतीय मीडिया महासंघ ने सूखा राशन वितरण किया। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थित रहे और राशन वितरण में सहयोग करते दिखे। बाढ़ विस्थापित लोगों ने संगठन के पदाधिकारियों से अपना दुख बयां करते हुए कहा कि हमेशा जंगली जीव जंतुओं यथा सांप बिच्छू आदि का खतरा बना रहता है। अंधेरे में हम लोगों का बसेरा है, यहां तक कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्लास्टिक आदि टांकने नहीं देते। तत्काल संगठन के पदाधिकारियों ने कुलपति महोदय से संपर्क साधा, लेकिन वे अपने आवास पर नहीं थे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से निकलकर तमाम पदाधिकारियों ने सबौर थाना क्षेत्र की ओर कूच किया। सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी की उपस्थिति में सबौर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन के आसपास रह रहे हजारों बाढ़ विस्थापित लोगों को सूखा राशन वितरण किया। वहीं मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी ने कटाव निरीक्षण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार से मुलाकात की और बाढ़ विस्थापित लोगों के सुविधा हेतु आग्रह किया। अपने के लिए आए हुए हैं जो दुखित लोग हैं, ऐसा नहीं कि जो घर में है खाना बन रहा है उसके लिए नहीं। हम लोग जो डूबा हुआ जिसका सारा चीज जो यहाँ बसे हुए पन्नी टांग के रह रहे उसके लिए।
देखिए बाढ़ विस्थापितों के लिए कुछ सूखा राशन का व्यवस्था किया गया है, चूड़ा मुड़ी गुड़ वगैरह का। हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ हम लोग सहयोग कर सकें, उसी के लिए हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। तो दो कारण था लोगों का, कुछ इन लोगों को हम लोग सहयोग कर सकें, साथ में जो परेशानी लोगों को है इसको लेकर के प्रशासन से आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी सुविधा मुहैया हो सकेगी वो हम लोग करवाएंगे। जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर बाजार में कबीरपंथी संत रामपाल महाराज का प्रोजेक्ट के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुंचे। सत्संग में संत रामपाल जी ने बताया कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य भक्ति करके भगवान के पास जाना है। यदि हम सद्भक्ति नहीं करते तो इस मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। यदि हम मनुष्य जन्म रहते भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमें कुत्ते गधे आदि 84 लाख योनियों का कष्ट उठाना पड़ेगा। भक्ति भी शास्त्र अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा वह भी व्यर्थ है, क्योंकि श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। वहीं संत रामपाल महाराज के अनुयायियों का कहना है कि वर्तमान समय में संत रामपाल महाराज ही वह पूर्ण संत हैं जो सर्व धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति विधि बता रहे हैं। उनकी बताई भक्ति करने से लाइलाज बीमारियां भी दूर हो रही हैं, तथा उनका प्रत्येक अनुयायी नशा, दहेज के लेन देन, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से पूर्णतः दूर रहता है, जिससे एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। लेकिन जो ये संत सत्संग जो चल रहा है, हमारे शास्त्र के अनुकूल ये सत्संग है। ये सत्संग से ये पता चला कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मोक्ष क्या है। अभी तक में मोक्ष की बहुत ये चल रही थी सत्संग, लेकिन वास्तविक में मोक्ष का ज्ञान कोई भी संत नहीं बताया। आज जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ज्ञान हम लोग को सामने में रखा, सभी शास्त्र को खोल कर दिखाया और पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, किसको मिला है, कहाँ प्रमाण है, सारी ग्रंथों से परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कर दिया है। और हमारे समाज में जो बुरी कृतियाँ जो है उसको जड़ से समाप्त करना जा रहा है संत रामपाल जी महाराज। जैसे में दहेज मुक्त विवाह रवेनी जिसको नाम रखा गया है, इसमें कोई एक पैसा ना लिया जाता है ना दिया जाता है, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, मांसाहारी, ये जितनी भी कृतियाँ हैं हमारे समाज में सारे को खत्म कर रहा है, एक स्वच्छ समाज बना रहा है संत रामपाल जी महाराज। NH-80 पर डायवर्सन गंगा के जलस्तर बढ़ने से बह गया, डायवर्सन ह्यूम पाइप के साथ टूट गया, सबौर में 10 मीटर में डायवर्सन बह गया। अब सड़क पर 2 फीट हिस्सा बचा है जिस पर लोग खतरे से खेलकर पार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के रोक टोक के बाद भी लोग बैरिकेड तोड़कर बाइक लेकर भी जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने आवागमन के लिए नाव का सहारा लिया है। NH-80 का 50 फीट हिस्सा पिछले दिनों भी ध्वस्त हुआ था। जलस्तर घटने पर यहां कार्य कराया गया था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग भागलपुर को झारखंड से जोड़ता है। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।